हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 4 में लेसन नंबर 4 है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका सिलेबस SA1 का सिलेबस है, उसमें SS में लेसन नंबर 1 से 5 तक सारे लेसन आने वाले हैं। तो आज हम हमारा लास्ट लेसन नंबर 4 है वो करेंगे, क्योंकि 5th हमने ऑलरेडी आगे के लेसन में कर लिया था। तो लेसन नंबर 4 का नाम है कोस्टल रीजन्स एंड आइलैंड ऑफ इंडिया। कोस्टल रीजन्स मतलब दरिया किनाराओं एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आइलैंड मतलब टापुओं, इंडिया के जो दरिया किनारे हैं एंड जो आइलैंड्स है, टापू है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स लर्न अबाउट कोस्टल प्लेन्स एंड देयर डिविजन्स, मतलब जो दरिया किनारा है वो और उसके वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है वो। फिर आइलैंड्स मतलब टापुओं के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, आइलैंड में और कोस्टल प्लेन्स में कैसे लोग रहते हैं, वहाँ पे कौन से फेस्टिवल्स है, वो सब पढ़ेंगे। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, ये कोस्टल प्लेन्स है एंड जो आइलैंड्स है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी साथ में स्टडी करेंगे। चलो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेसन नंबर 4, कोस्टल प्लेन्स एंड देयर डिविजन्स, मतलब जो दरिया किनारा है और वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है वो भी ये सब है। इंडिया हैज़ अ 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन विच इंक्लूड्स द कोस्टल प्लेन्स ऑफ द मेन लैंड एंड द कोस्ट ऑफ द टू आइलैंड ग्रुप, मतलब जो दरिया किनारा है वो इंडिया का 7,570 किलोमीटर तक लंबा है और जो दरिया किनारा है वो हम टापू है उसको टू ग्रुप में डिवाइड करते हैं। टू द वेस्ट वी हैव वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्ट साइड में क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। एंड टू द ईस्ट वी हैव ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्ट साइड में क्या है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर बाय द डेक्कन प्लेट्यू बट मीट एट द कन्याकुमारी, वो दोनों एक दूसरे से अलग है लेकिन डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे, जो कन्याकुमारी है वहाँ पे वो मिलते हैं। फिर सेकंड पेज है, वहाँ पे है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्ट साइड का जो दरिया किनारा है उसकी पूरी रेंज है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कवर्स अ नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड अबाउट 65 किलोमीटर इन विथ, विथ मतलब उसकी पहुड़ाई, उस वो कितने 65 किलोमीटर तक पहुड़ा है। और जो इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी, वो कहाँ पे आता है, वेस्टर्न घाट है और अरेबियन सी है उसके बीच में आता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द गुजरात इन द नॉर्थ, पासिस थ्रू द महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड द एंड इन द कन्याकुमारी इन द साउथ, साउथ साइड में उसका एंड होता है जहाँ पे कन्याकुमारी है। फिर केरला, गोवा, महाराष्ट्र वो सब है और ईस्ट नॉर्थ साइड में है हमारा गुजरात, ये है हमारा गुजरात। तो ये हमारे गुजरात की कोस्ट लाइन है। द विड्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट डिक्रीज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, जो पहुड़ाई होती है जो दरिया किनारे की, जो वेस्ट से नॉर्थ से साउथ तक जाते हैं तो वो कम होती जाती है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू द थ्री इम्पोर्टेंट पार्ट, जो वेस्ट साइड की जो दरिया किनारा है उसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द गुजरात कोस्ट इन द नॉर्थ, द कोंकण कोस्ट इन द मिडल एंड द मलबार कोस्ट इन द साउथ। ये पिक्चर है, यहाँ पे देख सकते हो गुजरात कोस्ट है वो कौन सी साइड में है, नॉर्थ साइड में है। फिर जो कोंकण कोस्ट है वो कहाँ पे है, मिडल है। तो ये कोंकण कोस्ट है ये मिडल में है एंड द मलबार कोस्ट है वो कहाँ पे आती है, साउथ साइड में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मतलब अभी ये ईस्ट साइड के बारे में पढ़ेंगे, जो दरिया किनारा की ईस्ट साइड है वो। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रिफर टू अ विड्थ स्ट्रेच ऑफ द लैंड लाइंग बिटवीन द ईस्ट घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल, ये कौन सी साइड में है, ईस्ट घाट है और जो बे ऑफ बंगाल, बे मतलब खाड़ी, जो बंगाड़ानी खाड़ी है, बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पे आता है। इट इंक्लूड्स डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पुंडुचेरी एंड द तमिलनाडु कोस्ट। डेल्टा मतलब त्रिकोण बनता है कौन सी जगह पे, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड पुंडुचेरी तमिलनाडु कोस्ट लाइन से उसके बीच में ऐसे डेल्टा बनता है।
द एवरेज विड्थ ऑफ दिस प्लेन इज 120 किलोमीटर। जो ये पूरी जो डेल्टा बनता है उसके बीच की जो पूरी लंबाई है वो कितने किलोमीटर की है? 120 किलोमीटर। इट हैज़ टू ब्रॉड डिवीज़न। ये जो पूरी लंबाई है पहुड़ाई है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द नॉर्थन पार्ट इज नोन एज द नॉर्थन सिरकार वाइल द साउथर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। जो नॉर्थ साइड का पार्ट है उसे नॉर्थन सिरकार बोलते हैं एंड द साउथर्न पार्ट है उसे कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। अभी उसके नीचे है टाइम टू आंसर। इंडिया डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन। इंडिया को कोस्ट लाइन मतलब दरिया किनारा है? यस नो, क्योंकि इंडिया को नहीं है, गुजरात को है। फिर द वेस्टर्न घाट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सिचुएटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। जो वेस्ट साइड की जो कोस्ट प्लेन है वो कहाँ पे आती है? वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी के बीच में है। तो ये राइट है, तो यहाँ पे यस के नीचे हम राइट करेंगे। सॉल्ट इज मेड इन द कोस्टल एरियाज, मतलब कोस्टल एरिया है जो दरिया किनारा है वहाँ से हमको सॉल्ट मिलता है, तो राइट। द एवरेज विड्थ ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज 120 किलोमीटर्स। जो ईस्ट साइड की जो कोस्टल रेंज है यहाँ पे हमने पढ़ा कि उसकी लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। लास्ट में है पुंडुचेरी इज द लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया। पुंडुचेरी है वो ईस्ट कोस्ट प्लेन है वहाँ पे आती है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। नेक्स्ट है आइलैंड्स। आइलैंड्स मतलब टापुओं। आइलैंड्स मतलब टापुओं। जो इंडिया के इंडिया में क्या है? आइलैंड आए हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इंडिया इज द पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर ऑन ऑल दिस साइड। इंडिया के आइलैंड है वो क्या है कि जो एक पीस है, मतलब वो एक टुकड़ा है किसका? जमीन का, और जिसके आसपास क्या है? पानी फैला हुआ है। देयर आर टू बिग आइलैंड ग्रुप्स इन द इंडिया। इंडिया में टू आइलैंड्स है। दे आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। कौन से दो टापू है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सेकंड है लक्षद्वीप आइलैंड। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो कहाँ पे आता है? बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाड़ानी खाड़ी। एंड द लक्षद्वीप आइलैंड वो आता है अरेबियन सी, ओके, अरबी समुद्र है वहाँ पे। फर्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आइलैंड हमने पढ़े दो है इंडिया के, कौन से? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकंड है लक्षद्वीप। तो ये दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ 570 आइलैंड्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू मेन आइलैंड ग्रुप्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो टापू है पूरा वो 570 टापू उसके अंदर है, छोटे छोटे टापू होते हैं 570, उसको टू टाइप्स में टू ग्रुप्स में डिवाइड करा है। द अंडमान आइलैंड ऑन द नॉर्थ एंड द निकोबार आइलैंड टू द साउथ। अंडमान है वो नॉर्थ साइड में है एंड द निकोबार है वो साउथ साइड में है। दीज आइलैंड्स आर वन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो इंडिया का यूनियन टेरिटरी है वो है। सम आइलैंड इन द ग्रुप आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, मतलब कई सारे टापू है वहाँ पे वोल्केनिक ओरिजिन मतलब ज्वालामुखियों होते हैं। They are covered with a thick forest and only some island are inhabited. वहाँ पे क्या है कि कई सारे फॉरेस्ट से भरे हुए टापू है और जो कई सारे आइलैंड्स हैं वहाँ पे रह सकते हैं। सेकंड है लक्षद्वीप। अंडमान है वो नॉर्थ साइड में है और निकोबार है वो साउथ साइड में फैला हुआ है और है लास्ट में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ द 36 आइलैंड कवरिंग एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप टापू है वो उसका 36 आइलैंड्स है। लक्षद्वीप है वो एक पूरा आइलैंड है जिसके अंदर 36 टापू है और वो 32 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। दे आर फ्लैट एंड सैंडी। वो कैसे है? फ्लैट मतलब पतले है एंड सैंडी मतलब वहाँ पे ज़्यादातर सैंड होती है। दिस आइलैंड आर नोन एज द कोरल आइलैंड बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम द कोरल डिपॉजिट्स। वहाँ उसको हम कोरल आइलैंड बोलते हैं क्योंकि वो कोरल डिपॉजिट से बने हुए हैं। कोकोनट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन एंड फिशिंग इज़ द मेन इंडस्ट्री। वहाँ पे मेन कौन सा क्रॉप होता है? कोकोनट का। यहाँ हमारे गुजरात में मेन क्रॉप क्या है कि जो कॉटन है, वीट,
राइस ये सब हमारे इंडिया के मेन क्रॉप है, लेकिन यहाँ पे लक्षद्वीप टापू है वहाँ पे कोकोनट है वो मेन क्रॉप है, एंड फिशिंग इज़ द मेन इंडस्ट्री, और वहाँ पे इंडस्ट्री में ज़्यादातर फिशिंग की होती है, मतलब मच्छी उद्योग हुई है। ओनली 11 ऑफ दीज 36 आइलैंड आर इनहेबिटेड, 36 में से ओनली 11 है जहाँ पे हम रह सकते हैं। द पीपल ऑफ दिस आइलैंड स्पीक जैसरी एंड द महल लैंग्वेज, वहाँ पे महल एंड जैसरी दो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे है लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स, जो कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स है वहाँ के लोग हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। लाइफ इन द आइलैंड, फर्स्ट हम आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द इनहेबिटेंट्स आर ट्राइबल्स, मतलब वहाँ पे ट्राइबल्स नाम के जो लोग होते हैं वो रहते हैं। पीपल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव अ सेटल हियर, वहाँ पे कई सारे कंट्री के लोग हैं वो रहते हैं। मेन ऑक्यूपेशन ऑन दिस आइलैंड आर फिशिंग एंड फार्मिंग, वहाँ का मेन जो वर्क है वो कौन सा है, फिशिंग एंड फार्मिंग का। राइस मेज कोकोनट पाइनएप्पल एंड द पपाया आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर, वहाँ का सबसे पहला जो बिजनेस है वो किसका होता है, फिशिंग एंड फार्मिंग का, और साइड में किसकी खेती करते हैं, राइस मेज कोकोनट पाइनएप्पल एंड पपाया। द थिक फॉरेस्ट ऑन द आइलैंड प्रोवाइड्स टीक एंड रबर, वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही थिक मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में होते, तो वो हमको टीक एंड रबर देते हैं। लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, आइलैंड और जो सॉरी वो हमने कर दिया था, और फर्स्ट पैराग्राफ हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी सेकंड पैराग्राफ, लाइफ इन द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स, मतलब वेस्टर्न साइड के जो दरिया किनारा है वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल। गुजरात दमन एंड दीव कॉन्स्टिट्यूट द नॉर्थ एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, गुजरात दमन एंड दीव है वो ईस्ट सॉरी नॉर्थ एंड वेस्ट साइड की है। हियर मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादातर व्यापारी एंड जो फार्मर्स है खेडूत है। वीट एंड द कॉटन आर द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द रीजन्स, वीट और कॉटन, वीट मतलब गेहूं एंड कॉटन मतलब कपास, यहाँ पे गेहूं और कपास की खेती होती है। अहमदाबाद इन द सेंटर गुजरात इज नॉन अहमदाबाद इन द गुजरात इज नॉन फॉर द नॉन फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गुजरात में जो अहमदाबाद है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। सॉल्ट इज मेड इन द कोस्टल एरियाज, जो दरिया किनारा है वहाँ पे से हमको सॉल्ट मिलता है। गरबा इन द दांडिया रास डांस आर द फेमस फोक डांस ऑफ दिस रीजन, यहाँ के जो गुजरात में गरबा एंड दांडिया रास है वो फेमस है। कोकोनट इज द वाइडली यूज इन द फूड अलोंग द कोंकण एंड द मलबार कोस्ट, मलबार एंड कोंकण कोस्ट है मतलब मलबार एंड जो कोंकण का जो दरिया किनारा है वहाँ की साइड में कोकोनट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कोकोनट लीव्स आर यूज फॉर द मेकिंग रॉप्स ब्रूम्स एंड बोट टॉप्स, मतलब जो कोकोनट के जो लीव्स है उसमें से क्या बनाते हैं, रॉप्स मतलब दौड़ा, ब्रूम्स मतलब सावरणी एंड बोट टॉप्स मतलब जो बोट का हिस्सा होता है वो। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर, फिशिंग एंड फार्मिंग है वो वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, मेन बिजनेस है। तो कोंकण एंड द मलबार कोस्ट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड द कॉमर्शियल सेंटर, कोंकण एंड मलबार की जो कोस्ट है मतलब जो दरिया किनारा है वहाँ पे इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल सेंटर है, मतलब वहाँ से सारा आउट ऑफ इंडिया से सारे बिजनेस करते हैं। द ब्यूटिफुल बीचेज एंड द चर्चेज ऑफ द गोवा अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, गोवा का जो बीच है वो बहुत ही फेमस है और वहाँ पे बीचेस भी है और चर्चेस भी है। कर्नाटका हैज़ द टीक एंड द सैंडवुड फॉरेस्ट, कर्नाटका में टीक एंड सैंड संदलवुड के जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादातर होते हैं। द हिल्स ऑन द कोंकण कोस्ट रीच अप टू द सी, कोंकण कोस्ट की जो कोंकण साइड का जो दरिया किनारा है वहाँ पे कई सारे हिल्स भी है। लाइट हाउस बिल्ड ऑन द हिल्स वॉन द शिप अबाउट द शेलो वाटर एंड द रॉक इन वाटर, मतलब वहाँ पे लाइट हाउस भी बनाया है, ये देखो आप पिक्चर में देख सकते हो। द मलबार कोस्ट इज द फेमस फॉर इट्स लगूनस एंड द बैक वाटर्स, मलबार कोस्ट है मतलब मलबार का जो दरिया किनारा है वो लगूनस एंड द बैक वाटर्स है उसके लिए फेमस है।
इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है. स्पाइसेस लाइक द पेपर्स, कार्डिमम, सिनेमॉन्स एंड द क्लोव्स आर ग्रोन इन द एबंडेंस हियर. वहाँ पे क्या क्या कौन कौन से स्पाइसेस आते हैं? स्पाइसेस मतलब मसाले, तो पेपर्स मतलब तीखा, लविंग, क्लोव्स मतलब लविंग, कार्डिमम मतलब तज, और सिनेमॉन्स मतलब तेज. ये सब सारे स्पाइसेस है वो वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं. द पीपल ऑफ द केरला आर गुड क्राफ्ट सन्स एंड द वर्क विद द कोकोनट शेल्स, वुड, स्टोन एंड मेटल्स. जो केरला के लोग हैं वो बहुत ही सारे अच्छे क्राफ्ट्स पर्सन है, क्योंकि वो सब किस में से सारी चीज़ें बनाते हैं? कोकोनट का जो शेल मतलब जो कड़क हिस्सों हो एमाथी वुड, स्टोन एंड द मेटल्स के सारे पार्ट्स बनाते हैं. ओनम इज देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल. वहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो ओनम है. लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्ट साइड के जो दरिया किनारा है वहाँ पे कौन से वहाँ के लोगों की क्या लाइफस्टाइल है? फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ देयर एरिया. यहाँ पे फिशिंग एंड फार्मिंग है वो बहुत ही मेन ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है. राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन अलॉन्ग विद द शुगर कैन, टोबेको, कोकोनट एंड बनाना. वहाँ पे जो मेन क्रॉप है वो राइस का होता है, और साइड में शुगर केन मतलब सैडी, टबेको तंबाकू, कोकोनट एंड बनाना है, उसके सारे क्रॉप्स भी वहाँ पे होते हैं. चिलिका लेक इन द ओडिशा विद द बर्ड सेंचुरी इज द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन. चिलिका का लेक है जो ओडिशा में आता है, वहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, और वहाँ पे जो टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा सेंटर है. दुर्गा पूजा इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ द वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. विशाखापट्टनम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द नॉर्थन सीरकास, वेर इज द चेन्नई इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट. नॉर्थन सीरका है वहाँ पर जो सबसे बड़ा बिजनेस का सेंटर है वो विशाखापट्टनम है, और जो चेन्नई है वो सबसे बड़ा फेमस सी पोर्ट है, मतलब दरिया किनारा थ्रू आपणे कोई पण बिजनेस करो एना માટેનું સેન્ટર છે, જે કોરોમંડલ કોસ્ટમાં આવેલું છે. તો રિવર કાવેરી ફોર્મ્સ ઇઝ ધ ડેલ્ટા અલોંગ વિથ ધ કોરોમંડલ કોસ્ટ ઇન ધ તમિલનાડુ. રિવર કાવેરી એ વહાં પે ભી ડેલ્ટા કા સાઇન બનતા હૈ વો તમિલનાડુ મેં હોતા હૈ. પુંડુચેરી વોઝ વન ઓફ ધ ફ્રેન્ચ કોલોની. પુંડુચેરી હૈ વો ફ્રેન્ચ કોલોની, વહાં પે ફ્રેન્ચ કોલોની જ્યાદાતર હોતી હૈ. Now it is a union territory and the famous for the Sri Aurobindo Ashram which the attract people from the all over the world. अभी वो क्या है कि अभी जो फ्रेंच कॉलोनी है वो यूनियन टेरेटरी है, मतलब जो यूनियन टेरेटरी है और साथ में वो श्री अरविंदो आश्रम है उसके लिए फेमस है. नेक्स्ट, द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीट द कन्याकुमारी. वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, दरिया किनारा है वो कन्याकुमारी पे मिलता है. द थ्री वाटर बॉडीज द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट साइड, वहाँ पे थ्री पार्ट में उसे डिवाइड करा है. अरेबियन सी मतलब अरबी समुद्र है जो वेस्ट साइड में है. द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट साइड मतलब बंगाड़ानी खाड़ी वो ईस्ट साइड में है. एंड द इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर है वो साउथ साइड में आता है. इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड. आइलैंड एंड कोस्टल प्लेन्स है उसका क्या इम्पोर्टेंस है? रिवर्स लाइक द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी रन थ्रू दिस प्लेन्स एंड फॉर्म लार्ज डेल्टा दस मेकिंग द रीजन वेरी फर्टाइल. मतलब यहाँ पे नदी है, कई सारी रिवर्स है, जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी है, ये इतनी सारी रिवर्स है वो क्या करती है कि जो रिवर्स होती है तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी को पानी चाहिए वो मिल जाता है. तो इसी तरह जो फर्टिलिटी है वहाँ की सोइल की वो बड़ी है. तो कोरोमंडल कोस्ट रिसीव द रेन फ्रॉम द बोथ द नॉर्थन ईस्ट एंड द साउथन वेस्ट मॉनसून विंड्स, वेयर द मलबार कोस्ट रिसीव हैवी शावर फ्रॉम द साउथन वेस्ट मॉनसून. मतलब जो कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट साइड के जो विंड मूनस है, मॉनसून के जो विंड्स है वो होते हैं. एंड मलबार मलबार की जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे भी हैवी स्नोफॉल होता है, क्योंकि वहाँ पे जो वेस्ट साउथ वेस्ट साइड के मॉनसून विंड्स है वो होते हैं. आइलैंड आर द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. मतलब आइलैंड है वो सबसे बड़ा टूरिस्ट का प्लेस है. द
The maritime climate and the tropical beaches attract large number of tourists from all over the world. वहाँ पे वर्ल्ड के सारे पार्ट में से सारे लोग हैं वो वहाँ के टूरिस्ट करने के लिए जाते हैं. पोर्ट्स अलोंग दीज कोस्टल प्लेन सर्व एज इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग फैसिलिटीज़. और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग मतलब बिजनेस करने की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. अभी आता है नावाइनो. इंडिया कोस्ट लाइन स्ट्रेचिज फ्रॉम द अबाउट 7,570 किलोमीटर. इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो 7,570 किलोमीटर तक स्प्रेड हुआ है. The western coast plains have been divided into the Gujarat Konak and the Malabar coast. West side का जो दरिया किनारा है उसे तीन part में divide करा है, Gujarat Konak and Malabar coast. The east coastal plains divided into the northern Sircas and the Coromandel coast. जो north side का हिस्सा है उसे east side का हिस्सा है उसे northern Sircas and the Coromandel coast से two types में divide करे है. There are the two groups of the islands in India, Andaman Nicobar Island and the Lakshadweep Island. हमने आगे पढ़ा कि two types के island है, Andaman Nicobar Island and the Lakshadweep Island. Andaman Nicobar Island lies in the Bay of Bengal. Andaman Nicobar टापू है वो कहाँ पे आता है? Bay of Bengal में आता है. And the Lakshadweep Island lies in the Arabian Sea. और जो Lakshadweep Island है वो Arabian Sea मतलब जो अरबी समुद्र है वहाँ पे आता है. अभी उसके नीचे है टाइम टू आंसर एक्सरसाइज है बच्चों. ये हम आपको उसकी पीडीएफ सेंड कर देंगे और आपको कोई भी डाउट या फिर क्वेरी हो तो आप हमें कॉल करके पूछ लेना. और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. अच्छे से प्रिपरेशन करना और इस बार आप एग्ज़ाम में ध्यान देना. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.